कार्बोहाइड्रेट के ऊपर बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट दैट इज इट इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन मेड अप ऑफ CHO। कार्बोहाइड्रेट ये जो बना होता है इसमें सीधा सीधा नाम होता है हाइड्रेट ऑफ कार्बन। व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट? व्हेन यू सेपरेट दिस टर्म यू कैन से दैट दिस इज हाइड्रेट ऑफ कार्बन। ये क्या है? कार्बन का हाइड्रेट है, कार्बन का हाइड्रेट है। मतलब कार्बन ये है हाइड्रेट, हाइड्रेट मतलब वाटर, ठीक है। कार्बन हाइड्रेट यानी CH2O, यही तो होता है जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये CHO का इसी तरीके से फॉर्म में होता है, जो जनरल फार्मूला होता है किसी भी कार्बोहाइड्रेट का CH2O, इसका जो होता है N। जैसे आपने ग्लूकोज का देखा होगा C6H12NO6, इसी बेसिस पे कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं काम करते हैं, बहुत सारे चीज़ें जो इसी पे इन्वॉल्व होती है। मिनिमम 3 कार्बन रिक्वायर्ड, एक कार्बन से काम नहीं चलेगा। ये फॉर्मूला जो होता है यहाँ पे N की वैल्यू जो होती है वो 3 टू लेके ऑलमोस्ट 7 to 8 तक जाती है, जनरली 3 to 6, और सबसे ऑप्टिमम जो होते हैं वो 5 to 6 होते हैं, ठीक है। तो 5 to 6 वाले कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा पाए जाते हैं। मोनोसेक्राइड्स कार्बोहाइड्रेट में अगर बात करें, मोनो का मतलब होता है सिंगल, सेक्राइड का मतलब यूनिट। एक जब यूनिट पाया जाएगा तो एक यूनिट पाया जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे मोनोसेक्राइड। जैसे ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज। ओलिगो का मतलब होता है दैट दिस मल्टीपल यूनिट, मतलब कितने, 2 से 10 के बीच में जब होंगे तो ओलिगो हो जाएगा, 10 से ज़्यादा हो जाएगा तो पॉली हो जाएगा, जैसे स्टार्च सेलुलोज एनॉल, ठीक है। जैसे अमीनो एसिड में हमने लर्न किया था कि व्हाट इज़ DNL कॉन्फ़िगरेशन, अगर याद आ रहा हो तो वहाँ पे अमीनो ग्रुप के बेसिस पे लर्न करते थे, यहाँ पे OH के पोजीशन पे लर्न करेंगे, ठीक है। सो दैट हियर वी हैव टू लर्न ऑन द बेसिस ऑफ OH पोजीशन, OH के पोजीशन पे आप चीज़ों को लर्न करते हैं। देखिएगा DL कॉन्फ़िगरेशंस में, इस पर्टिकुलर केस में अगर आपको बात की जाएगी तो OH अगर आपके लेफ्ट साइड और राइट साइड की बात करेंगे तो यहाँ पे D और L जो है वो थोड़ा सा अपोजिट लिखा हुआ है, लेट मी करेक्ट इट, दिस इज डी एंड दिस इज एल, ये जो है वो एल है। जब OH जो पहला OH है CHO के जस्ट नीचे वाला, यानी सेकेंड कार्बन से जुड़ा हुआ जो OH है, यानी अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ जो OH है, वो अल्फा कार्बन से अल्फा OH जो ग्रुप है वो राइट साइड है या लेफ्ट साइड है? व्हेन इट इज़ प्रेजेंट ऑन राइट साइड इट शुड बी D फॉर्म होगा, एंड अगर ये जो है अल्फा जो OH ग्रुप है अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ ये अगर लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है तो इट शुड बी L फॉर्म, L से लेफ्ट, L से L फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे जो है ये इन्वॉल्व हो जाता है। कोई भी पर्टिकुलर जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, खासकर जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला है 5 और 6 वाले, इनमें साइक्लिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में नेचुरली आपको कभी भी लीनियर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता। जब आप लीनियर फॉर्म जैसे आप देखते हैं CHO फिर इसमें CCC ऐसे करके आप लोग लर्न करते हैं, तो वो जो नेचुरल फॉर्म होता है वो आपको कभी भी नहीं होता है, ठीक है। तो ध्यान देना कि सब में जनरली इधर OH होता है, एक वाला भाई साहब इधर OH होते हैं। ग्लूकोज में हमेशा ध्यान रखना 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, मतलब पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। जो तीसरा कार्बन होता है दैट इज़ 3 तिगाड़ा, मतलब वो OH को इधर कर लेता है, बाकी सबका OH जो होता है वो राइट साइड में होता है, ठीक है। तो ये जो होता है आपका इन्वॉल्व होता है। तो दिस इज़ द ग्लूकोज लीनियर स्ट्रक्चर। लेकिन जब हम बात करेंगे कि सर्कुलर स्ट्रक्चर में नेचुरली फॉर्म में आकर होता है तो वो 2 तरीके के पाए जाते हैं, एक होता है प्यूरॉन रिंग, एक होता है फायरॉन रिंग, एक होता है पायरॉन रिंग, एक होता है फ्यूरॉन रिंग, ठीक है। तो वॉट इज़ दैट, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर कि पायरॉन और फ्यूरॉन में क्या चीज़ें हैं। देखिएगा पायरॉन के पास एक्चुअल अगर बात करेंगे कार्बन 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन, अगर आप देखेंगे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन एंड 6 ऑक्सीजन, ये होता है। इसमें कार्बन देखेंगे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन एंड 5th ऑक्सीजन। तो कार्बन रिंग या टोटल मेंबर्ड रिंग अलग अलग नाम से बोला जाता है। एक चीज़ ध्यान रखना कि बहुत सीधी सी बात है, मैं यहाँ पे कोड एक बता दे रहा हूँ, वो कभी भी नहीं भूलना चाहिए। ट्रिपल एफ रूल, क्या बोला गया, 3F रूल। 3F रूल का मतलब 4 कार्बन 5 जो है वो मेंबर्ड और फ्यूरॉन,
ये जो है ये आपका रूल है। लेट मी जूम इट, जो लोग नहीं देख पा रहे होंगे अगर उनको लग रहा होगा कि छुप रहा है तो अब आपको दिख जाएगा। देखिएगा क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, पायरॉन के ऊपर जब हम बात करते हैं तो 5 कार्बन, 5 कार्बन है, 6 मेंबर्ड है, 5 कार्बन 6 मेंबर्ड एंड पायरॉन, ठीक है। ये हो जाए पायरॉन, 6 मेंबर्ड 5 कार्बन रिंग, ये जनरली ग्लूकोज वगैरह बनाते हैं, ठीक है। ज़्यादातर 6 कार्बन के शुगर बनाते हैं, लेकिन 5 कार्बन का शुगर जो होता है ये बना सकते हैं, मतलब कई सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, बट जनरली की बात की जा रही है, नॉट ऑलवेज। इसमें जो है फ्यूरॉन रिंग के ऊपर बात करते, देखिए 5 4 कार्बन 5 मेंबर्ड फ्यूरॉन रिंग, ये 4 5 फ्यूरॉन, समझ में आया क्या, ट्रिपल एफ रू, 4 5 फ्यूरॉन, 4 कार्बन 5 मेंबर्ड एंड फ्यूरॉन रिंग, दिस इज द फ्यूरॉन वन। कभी भी कंफ्यूज मत करना कार्बन और मेंबर के ऊपर अगर बात की जा रही है तो, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। नाउ अगर ये समझ में आ गया तो लेट्स सी सम डिफरेंट थिंग्स कि ग्लूकोज या कैसे इसमें नॉर्मली कई सारे मोनो से डाइसेक्राइड्स बनते हैं, क्या क्या चीज़ें चलती हैं, ठीक है। तो लीनियर फॉर्म में अलग अलग फॉर्म में वो क्या साइकिल बनाएगा क्या नहीं बनाएगा, जनरली जो पॉसिबल्स होते हैं वो यही पॉसिबल होते हैं। ज़्यादातर जो 6 कार्बन के शुगर्स होते हैं वो ये बनाते हैं, और 5 कार्बन के शुगर्स जो होते हैं ये बनाते हैं, जनरली नॉट ऑलवेज, ठीक है। सो इसके अलावा जो होते हैं मोनोसेक्राइड्स में कई सारे डेरिवेटिव होते हैं। व्हेन यू सी द मोनोसेक्राइड्स देयर आर डिफरेंट डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स, जैसे देयर आर सम ग्लाइकोसाइड्स, कुछ आपके ग्लाइकोसाइड्स पाए जाते हैं, दे आर मोनोसेक्राइड्स प्लस एल्कोहल साइड अगर जुड़ा दैट्स मीन्स इट इज एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल पाए जाते हैं ग्लाइकोसाइड्स, जब कैसे इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, अवाबेन, अवाबेन इज इनिबिटर ऑफ एन ए प्लस के प्लस ए टी पी एच, एन ए प्लस के प्लस ए टी पी एच का इनिबिटर होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन इनिबिटर द एंटीबायोटिक इनिबिटर होता है, और ये स्ट्रेप्टोमाइसिन ट्रांसलेशन इनिबिटर होता है। हम डिस्कस करेंगे जब फंडामेंटल डिस्कस करेंगे व्हाट इज द एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो ये चीज यहां पाई जाती है, ठीक है। सुगर एसिड्स, सुगर तो रहेगा एसिड जुड़ेगा, देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ CHO OH और CO, इनका ऑक्सीडेशन करोगे तभी तो एसिड मिलेगा ना, COH के फॉर्म में जाएगा। सुगर एल्कोहल, रिडक्शन ऑफ दिस ग्रुप टू द OH, सफिक्स क्या जोड़ेंगे, इटॉल जोड़ेंगे, जैसे सार्बिटॉल, ठीक है। सार्बिटॉल इज, ऑर्बिटॉल इज लाइक समथिंग, कि ये क्या है, ये मोनोसेक्राइड्स का ही डेरिवेटिव है। नाउ अमीनो सुगर, सुगर तो रहेगा अमीनो ग्रुप, दैट OH ग्रुप को अमीनो में कन्वर्ट किया जाएगा या एसिटाइल अमीनो में, जैसे नैम नैग, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, म्यूरेमिक एसिड, दैट वाज व्हाट, वो सेक्राइड्स ही होते हैं नैम एंड नैग। तो ये सारे क्या है, डेरिवेटिव ऑफ द मोनोसेक्राइड्स, ये चीज़ों पर आप डेरिवेटिव की बात करते हैं। नाउ देयर आर, जब दो कार्बोहाइड्रेट जुड़ते हैं, जब दो अमीनो एसिड जुड़ते थे तो पेप्टाइड बॉन्ड होता था, जब दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ते थे तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होते थे, और जब दो कार्बोहाइड्रेट जुड़ते हैं तो आपको मिल जाता है दो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। तो अब देखेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे होता है और क्या होता है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आइदर इट कैन बी CON, ये CON भी हो सकता है और COC भी हो सकते हैं। इसी बॉन्ड को जो केमिस्ट्री में हम इसको बोलते हैं ईथर बॉन्ड, केमिस्ट्री में इट इज नोन एज ईथर बॉन्ड, इन द बायोलॉजिकल सिस्टम इट इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं भैया, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो देखिएगा ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, नंबरिंग करेंगे तो ये है भैया पहला कार्बन प्राइमरी है, फिर ये है दूसरा, ये है तीसरा, ये फोर्थ, ये है फिफ्थ, और दिस इज 6th कार्बन। देखिए तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, सबका OH राइट साइड में है, लेकिन सबका OH राइट साइड में एक्सेप्ट द थर्ड वन, थर्ड वन का OH जो होता है वो अपोजिट होता है, ये ग्लूकोज का ध्यान रखना, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जब साइक्लिक के ऊपर बात करेंगे तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर अटैक करेगा किस पे, इस ये अटैक करेगा 5वें पोजीशन पे, अटैक अलग अलग पोजीशन पे हो सकते हैं, ये 5वें पोजीशन पे अटैक करेगा। जब ये 5वें पोजीशन पे अटैक करेगा तो ये रिंग बनाएगा, कौन सा रिंग बनाएगा, पायरॉन बनाएगा, 6 कार्बन का है जनरली, तो 1 से 5वें पे देखेंगे 5 कार्बन आएगा कि नहीं आएगा, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन 6 मेंबर्ड, दैट शुड बी क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से चलता रहेगा, 1 कार्बन 2nd कार्बन 3rd कार्बन 4th कार्बन 5th कार्बन 5 कार्बन ओक ऑक्सीजन, दिस इज 6 मेंबर रिंग, कौन सा बना, पायरॉन बना,
और यहाँ पे छठवां कार्बन ऊपर आ जाता है, जिससे कि आपके कई सारे अगर हम बात करें तो अलग बॉन्डिंग या अलग ब्रांचिंग वगैरह होने के चांसेस रहते हैं। अब ये जो होता है पहला वाला दिस, ये जब अटैक कर रहा है यहाँ पे फिफ्थ नंबर पे अटैक कर रहा है, यहाँ पे जुड़ रहा है, तो इसका जो OH पाया जाता है ना, ये जो अल्फा कार्बन होता है, यही आपका D और L डिसाइड कर रहा था। बताया गया था दिस इज अल्फा कार्बन, क्योंकि पहला प्राइमरी कार्बोक्स या प्राइमरी ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन है, तो इसी से ये D और L होता था। अगर आप देखोगे तो दिस क्या है, डी ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज है, बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज की बात करेंगे, डी ग्लूकोज है। और इसी का पोजीशन जब साइक्लिक स्ट्रक्चर में चेक करेंगे तो वो अप साइड है या डाउन साइड, उस पर क्लियर हो जाता है अल्फा और बीटा। व्हेन इट इज डाउन साइड, जब अगर ये डाउन साइड होता है, अल्फा ही है ये कार्बन, जब डाउन साइड होता है तो ये हो जाता है आपका क्या, अल्फा। जब ये अप साइड हो गया तो ये हो जाता है बीटा। ये वही अल्फा कार्बन का, अल्फा ऑक्स OH ग्रुप की बात की जा रही है। देखो जरा सा जूम कर रहा हूं, देख जब हम बात करेंगे तो ग्लूकोज के केस में यही है, अटैक किया यहां पे, यही वाला जो अल्फा कार्बन जो कि डी और एल बता रहा था, राइट में था तो डी था, लेफ्ट में था तो एल था। अब ये क्या बताएगा, ये बताएगा कि ये जब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएगा तो नीचे की साइड प्रेजेंट है कि ऊपर की साइड प्रेजेंट है। अगर ये नीचे की साइड प्रेजेंट है तो दिस विल बी अल्फा, ऊपर की साइड प्रेजेंट है तो दिस विल बी बीटा। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, अगर ये क्लियर हो गया है तो अच्छी बात है। इस तरीके से आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा है अल्फा या बीटा। अब ये अल्फा डी ग्लूकोज होगा या बीटा डी ग्लूकोज होगा। इसी तरीके से राइबोज के स्ट्रक्चर भी बनते हैं। अब यहाँ पे राइबोज का स्ट्रक्चर भी इसी तरीके से पाया जाता है कि हाँ, नॉर्मली ये राइबोज के स्ट्रक्चर के ऊपर जब हम बात करेंगे तो वो भी पांच कार्बन से इसी तरीके से अटैक करेंगे और क्या बनाएंगे, फ्यूरॉन रिंग बनाएंगे। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के ऊपर बात करेंगे, देखिएगा ये जो है आपके कुछ अलग अलग कि एक पर्टिकुलर कंपाउंड हेड टू हेड, हेड टू टेल इस तरीके से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि कई अलग अलग शुगर्स के ऊपर अगर एग्जांपल्स के ऊपर बात करें तो लेट्स टॉक अबाउट शुगर एग्जांपल्स। हम शुगर एग्जांपल्स जो हैं ये यहाँ पे है इन्वॉल्व, तो जिसमें से कि आप देख सकते हैं दिस इज ग्लूकोज, डी ग्लूकोज है बिकॉज दिस इज द अल्फा कार्बन। यू कैन सी हियर, आप देखते हैं सारी चीज़ें, आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये OH ग्रुप जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, राइट साइड में, तो ठीक है डी ग्लूकोज। मैनोज जो होता है, फिर डी गैलेक्टोजेस है, इसके साथ ये देखिए फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज में ये जो सेकेंड एल्डिहाइड की जगह सेकेंड पे कीटोन आ जाता है, दिस इज लाइक एल्डो कीटोन, एल्डोज शुगर, कीटोज शुगर जिसके ऊपर बात करते हैं तो दिस इज कीटोज, दीज आर एल्डोज जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप एज अ प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप होते हैं। राइबोज में देखेंगे दिस इज द फाइव कार्बन, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ये भी कैसा है, ये है आपका एल्डोजेस, ये भी जो है आपके एल्डोजेस के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट कार्बन्स के शुगर्स होते हैं, एल्डोजेस, कीटोजेस है, ये सारे के सारे ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज, दे आर द ईपीमर। ईपीमर का मतलब क्या होता है, ईपीमर ऐसी चीज़ें होती हैं जो वन कार्बन से डिफर करती है, डिफर एट वन कार्बन, डिफर एट वन कार्बन, एक कार्बन से डिफर करेगा। देखना ध्यान से, ध्यान से देखोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। इसका सेकंड, अगर आप ग्लूकोज और मैनोज के देखो तो सेकंड वाला जो है, नंबरिंग कर रहा हूँ मैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, दूसरा जो OH है बाकी सब आपको मिलते हुए नजर आएंगे, लेकिन दूसरे का OH रिवर्स्ड है, सिर्फ एक कार्बन पे ये OH यहाँ आ गया। सो दिस पर्टिकुलर ग्लूकोज एंड मैनोज एपीमर है कार्बन नंबर टू पे। अगर आप देखोगे इस चीज़ को, ग्लूकोज और गैलेक्टोज को, तो देखो दूसरा तो ठीक है, पहला, सेकेंड ठीक है, थर्ड भी ठीक है, फोर्थ वाला OH अब इधर आ गया। इसमें आप देखेंगे फोर्थ वाला OH घूम गया, तो अगर ग्लूकोज से गैलेक्टोज को देखोगे तो ईपीमर एट द कार्बन नंबर फोर, तो दे आर द ईपीमर्स, ईपीमर्स के तरीके से काम कर रहे होते हैं। जनरली ग्लूकोजेस जो होते हैं, एल्डोजेस जो होते हैं, ये आपके पायरॉन रिंग बनाते हैं, और आपका फ्रक्टोजेस, खासकर कीटोजेस, क्योंकि ये यहाँ से अटैक करेगा इस पर, तो अटैक करेगा तो जनरली ये बनाता है आपके दैट फ्यूरॉन, एंड जितने भी आपके फाइव कार्बन होते हैं जनरली फ्यूरॉन रिंग बनाते हैं। जैसे ग्लूकोज और इसको देखोगे, ये क्या है, ग्लूकोज कैसा रिंग बना रहा है, ग्लूकोज बना रहा है पायरॉन रिंग, बिकॉज ये पहले कार्बन से शुरू हो रहा होता है ना, यहाँ से ये पहला कार्बन, मतलब पहला कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैक कर रहा होता है फिफ्थ पे,
लेकिन इस पे पहला तो है ही नहीं ग्रुप, इस पे सेकेंड नंबर पे है, तो सेकेंड नंबर वाला अटैक करेगा। जब सेकेंड नंबर वाला अटैक करेगा तो सीधी सी बात है कुछ ना कुछ लफड़ा होगा, तो जब लफड़ा होगा तो एग्जैक्टली चार कार्बन आएंगे, एक दो और तीन और चार, चार कार्बन यानी फोर कार्बन फाइव मेंबर्ड, तो फायरॉन बना। ठीक है, तो दिस इज फ्यूरॉन बना, तो ये फ्यूरॉन जो है स्ट्रक्चर मिल जाएगा, दिस इज फ्यूरॉन स्ट्रक्चर। तो दिस आर साइक्लिक स्ट्रक्चर जो यहाँ पे मिल जाते हैं। इसके साथ साथ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आती रहती हैं, जब आप फायरॉन फ्यूरॉन को देखेंगे, जो मैंने आपको बताया गया था साइक्लिक स्ट्रक्चर अटैक करेगा, यू कैन सी हियर, आप देखेंगे वन टू थ्री इसमें अटैक होगा, पहला जो है फाइव नंबर पर अटैक किया, फिर ये स्ट्रक्चर बनाया, देखिए कि ये अटैक किया फिफ्थ नंबर वाला, और अटैक दैट फाइव कार्बन का OH अटैक करता है इस पे CHO पे और बॉन्ड बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो OH या तो ऊपर आ सकता है दैट शुड बी अल्फा, या OH अगर नीचे आ जाएगा तो वो हो जाएगा, OH नीचे आ गया तो अल्फा हो गया, ऊपर आ गया तो बीटा हो गया। ये जो होते हैं आपस में इंटर कन्वर्ट भी होते रहते हैं, दैट फिनोमिना इंटर कन्वर्जन को बोला जाता है म्यूटा रोटेशन। क्या बोला जाता है? म्यूटा रोटेशन, जिसमें अल्फा बीटा जो होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं। म्यूटा रोटेशन के लिए बॉन्ड का ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है, बॉन्ड ब्रेक होके वो इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा फिर दूसरे फॉर्म में जाएगा, तो दिस इज इंटरमीडिएट फॉर्म। ये जो है ये इंटरमीडिएट फॉर्म है, इंटरमीडिएट फॉर्म में जाएगा, ये इसमें कन्वर्ट होगा तब इसके बाद इसमें कन्वर्ट होगा। कोई भी फॉर्म, एक अगर मान लो बीटा था, बीटा से अगर उसको अल्फा में कन्वर्ट होना होगा, तो बीटा से अगर अल्फा में जाना है तो बीटा से पहले लीनियर, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर बॉन्ड ब्रेक होगा, देन फिर अल्फा, और अल्फा से अगर बीटा में जाना होगा तो अल्फा से लीनियर देन फिर बीटा। तो ये जो स्ट्रक्चर होगा ये बिकॉज डायरेक्टली नहीं होता, दैट फिनोमिना इज नोन एज म्यूटा रोटेशंस। ये जो होते हैं बिकॉज सुगर्स है तो सुगर विल सो द पकरिंग, आपको पकरिंग वाली चीज़ें आएंगी, चेयर एंड बोर्ड का कॉन्सेप्ट आएगा। पकरिंग मतलब 3D स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर में कई सारे कॉन्फॉर्मेशंस होते हैं, एक होता है चेयर वाला, एक होता है बोट वाला। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, देखो चेयर पे बैठना ज़्यादा आसान है, बोट पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, तो ज़्यादातर जो होते हैं चेयर इज मोर स्टेबल। चेयर कैसा दिखता है आपको? ऐसे दिखता है, ठीक है, चेयर जो होता है ऐसे कुछ इस तरीके से आपको दिखता हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो चेयर स्ट्रक्चर जो होते हैं, दिस लाइक चेयर और बोट में कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेट मी ड्रॉ इट सो दैट यू कैन गेट आइडिया। बोट वाला स्ट्रक्चर ऐसा होगा आपका, दिस वन, दिस वन, इसमें बैठने में थोड़ी सी दिक्कत होगी बैठोगे तो, बोट में ध्यान रखना बैठने में दिक्कत होती है, लेकिन चेयर वाला आपको बैठने में बहुत ही आरामदायक होता है, मतलब आराम से आप इस पे बैठ सकते हैं। ये जो होता है मोर स्टेबल होता है, ठीक है, मोर स्टेबल होता है जो चेयर वाले फॉर्म्ड होते हैं, एनवलप्ड वाले फॉर्म दिक्कत होता है। इसी तरीके से राइबोजेस में भी वही है, यहाँ पे फोर्थ वाला अटैक किया किस पे, फोर्थ वाला अटैक किया कहाँ पे, पहले वाले पे, इसका जो फाइव वाला अटैक कर रहा था वो पहले पे अटैक किया था, इसका फोर्थ वाला अटैक किया यहाँ पे, अटैक करने के बाद फ्यूरॉन रिंग बनाया, फ्यूरॉन बनाने के बाद फ्रक्टोज में देखिए फिफ्थ वाला अटैक किया दूसरे पे, यहाँ पे क्या किया फिफ्थ वाला अटैक, तो इसमें भी फ्यूरॉन रिंग बनता है बीटा डी फ्रक्टोज। अगर OH अब यहाँ पे पहले आपको देखना होता है OH नीचे है कि ऊपर है, उसी के बेसिस पे डिसाइडेड होता है कि अल्फा होगा कि ये चीजें होंगी, ठीक है। सो यू कैन जूम इट एंड यू कैन सी हियर, ये सारी चीजें देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया कि कैसे फिफ्थ वाला अटैक किया, बाइंड किया, फिर अल्फा फॉर्म इस तरीके से जनरेट होगा। एंड सिमिलरली राइबोज में फोर्थ वाला अटैक करता है, इसमें फिफ्थ वाला अटैक करता है सेकेंड पे और फॉर्म को जनरेट करा के दे देता है। नाउ देयर इज केस जो कि EPMR के ऊपर हमने बात करी थी, ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कई आपके केसेस पाए जा रहे हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, ठीक है, थ्री कार्बन के, फोर कार्बन के, फिफ्थ कार्बन के, सिक्स कार्बन पे कौन कौन से केसेस पाए जा रहे हैं। अगर हम बात करें थ्री कार्बन में ग्लूटरल्डिहाइड पाया जा रहा है, थ्री कार्बन में अगर हम देखेंगे तो ग्लूटरल्डिहाइड है, DLL में अलग अलग फॉर्म से OH के पोजिशन पे डी और DL बताया गया है, ठीक है, लेट मी जूम इट सो दैट यू कैन गेट अ बेटर आइडिया। थ्री कार्बन में देखिए तीन कार्बन में ग्लूटरल्डिहाइड है, उसके बाद एरिथ्रोजेज है जिसमें चार कार्बन में एरिथ्रोज एंड थ्रीओज पाए जा रहे हैं, देन उसके बाद आते हैं फिफ्थ कार्बन में राइबोजेज है, एरेबिनोजेज है, जाइलोजेज है, लाइगजोजेज है, दीज आर द फाइव कार्बन। इसके बाद सिक्स में एलोज, एल्ट्रोज, ग्लूकोज, मैनोज, दीज आर द वेरियस सिक्स कार्बन, ग्लूलोज, आइडोज, गैलेक्टोज,
टैलोस, डिफरेंट डिफरेंट कार्बन इज देयर, जहां पे डीएलडीएल उनका बताया गया, सेकेंड पोजिशन पे डीएलडीएल आपको पता चलेगा, और ये दीज आर द वेरियस स्ट्रक्चर जो आप देखेंगे तो आपको इस तरीके से पता चल जाएगा। तो ये सारे जो फॉर्म्स होते हैं वो एपोमर के फॉर्म शो कर सकते हैं, दैट सुगर दैट डिफर्ट ओनली इन देयर स्टीरियो केमिस्ट्री एट द सिंगल कार्बन, सिंगल कार्बन पे होते हैं, जो आपको बताया गया था ग्लूकोज और मैन्यूज सी टू ईपीमर होते हैं, सेकेंड पोजिशन पे डिफर कर रहा होता है, और ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज फोर्थ पोजिशन पे डिफर कर रहे होते हैं, तो ये होते हैं एपीमर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन के ऊपर अगर आप देखेंगे मोनोसेक्राइड्स एंड मोनोसेक्राइड्स का केस यहाँ पे चल रहा है, दीज आर द मोनोसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड्स। अगर मोनोसेक्राइड्स के ऊपर बात की जा रही है तो सम ग्लाइकोसिडिक नॉर्मली क्या होता है कि दिस ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, तो एन और ओ के ऊपर हम बात करेंगे। अब इसमें कोई भी सुगर का देख, लेट मी टेल यू, लाइक कोई भी सुगर का आप देखिएगा कि इस तरीके से, मान लो सिक्स कार्बन सुगर है ये है, ठीक है, इसका ये होता है पहला कार्बन, ये होता है दूसरा कार्बन। अब एक दूसरे सुगर का हो सकता है कि वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा हो उल्टे तरीके से, मतलब ये पहला ये दूसरा है, या अगर इसी चीज़ पे हम देखें कि एक जो नॉर्मल सुगर है इस तरीके से है और दूसरा सुगर भी इसी तरीके से पैरेलल अरेंज है, जब पैरेलल अरेंज होगा तो ये हो जाएगा फोर, ये हो जाएगा फाइव, ये हो जाएगा सिक्स। तो अब इसका देखिए, इसका हेड इधर है, इसका भी हेड इधर है, तो हेड टू हेड हो सकता है, या इसका हेड इधर था तो इसका टेल इधर था, तो हेड टू टेल हो सकता है, ठीक है। सो हेड टू टेल और हेड टू हेड में फर्क क्या है देखिएगा, ठीक है। सो हेड टू हेड में इधर इसका हेड भी यही है, इसका हेड भी यही है, ये दोनों करेंगे तो हेड टू हेड हो जाएगा। हेड अगर वन कार्बन और फोर्थ फिफ्थ सिक्स यानी टेल से इंटरेक्ट कर रहा है तो हेड टू टेल हो जाएगा। तो हेड टू हेड में पहला या दूसरा कार्बन दूसरे या पहले कार्बन से मिल सकता है, या पहला दूसरे से मिलेगा, पहला पहले से मिलेगा, यहाँ देखो पहला या तो इसके दूसरे से या इसके पहले से मिल सकता है, वैसे दूसरा इसके पहले से या इसके दूसरे से मिल सकता है, तो वही है पहला इसके दूसरे से, पहला इसके पहले से, या दूसरा इसके पहले से, दूसरा इसके दूसरे से, ये पॉसिबिलिटी बनती है। और इसके साथ साथ जो होगा इस केस में कि पहला थ्री फोर फाइव सिक्स से इंटरेक्ट कर सकता है, यहाँ पे दो फोर फाइव सिक्स अगर आप देखेंगे तो थ्री फोर फाइव सिक्स से इंटरेक्ट करेगा, या सेकेंड वाला भी इंटरेक्ट करेगा सी। तो लेट मी टाइक, ये जो है ये इससे इंटरेक्ट कर सकता है या इससे कर सकता है, सिमिलरली ये वाला इससे कर सकता है या इससे कर सकता है, एंड उसी तरीके से ये जो पहला है ये दूसरा है, यहाँ पर ये होता है थ्री, ये होता है फाइव, इसके साथ ऊपर हो जाता है यहाँ पे सिक्स, तो ये थ्री फोर फाइव सिक्स के साथ चार कर सकते हैं, वही दूसरा भी करेगा, तो वही चीज़ जो होती है यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है। कई सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, कौन कौन से कॉम्बिनेशंस बनेंगे इसी नाम पे जो होता है हम बॉन्ड को डिसाइड करते हैं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड डायरेक्शनल होता है, बिकॉज इट इज़ डायरेक्शनल, तो वी लाइक राइट एड एज एरो। हम इसको जैसे कोई भी लिंकेज होता है तो अल्फा बोलते हैं कि पहला सुगर कैसा है, जो पहला सुगर होता है उसका नाम, फिर उसका कौन सा कार्बन है, फिर एरो देख के दूसरे वाले का कार्बन, ये करते हैं हम, ठीक है। अल्फा वन टू अल्फा देखिएगा यहाँ पे क्या होता है, जैसे एक मोनोसेक्राइड है, दिस यू कैन सी दिस इज ग्लूकोज हियर, ये ग्लूकोज है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रक्टोज है, ठीक है, फ्रक्टोज है, फाइव कार्बन है। अब देखिए कि इसका पहला कार्बन इसके दूसरे से, यानी कौन सा इंट्रैक्शन हो रहा होगा, यहाँ पे हेड टू हेड चल रहा है, हेड टू हेड चल रहा है, इसका एच इसका ओ एच निकला, वाटर रिमूव हुआ यानी हाइड्रोलिसिस हुई, वाटर जो है वो रिमूव हो गया, हाइड्रोलिसिस हो गए। वाटर रिमूव होते ही डाइसेक्राइड वाला केस बना, ये डाइसेक्राइड में देखिए अल्फा वन टू लिंकेज क्या बना, अल्फा वन टू लिंकेज, अल्फा वन टू निकला तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलके क्या बनाएंगे, दिट शुड बी सुक्रोज, क्या है ये सुक्रोज हो जाएगा, ठीक है। तो यही स्ट्रक्चर इसी तरीके से देखिए, इसमें बीच में ओ आ रहा है तो इसको विद सी ओ सी, सी ओ सी आ रहा है, दैट शुड बी ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्या बोलेंगे इसको, ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलेंगे। अब सी एन सी आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो जाएगा। तो देखिएगा ओ ग्लाइकोसिडिक एंड एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है, इन द ओ लिंक्ड दिस इज लाइक, देखिएगा सी ओ सी जुड़ता है, ओ ग्लाइकोसिडिक इज लाइक सी ओ सी,
एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन को अगर आप देखेंगे तो देखिए ये है ग्लूकोज, ये स्ट्रक्चर जुड़ा इस तरीके से, और आपने इसको अमीन ग्रुप यहाँ पे सेकेंड पे जोड़ रखा था, तो ये है आपके एन एसिटाइल ग्लूटोसामीन, ये प्रोटीन से जुड़ रहा है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोई भी स्ट्रक्चर है तो कैसे ये सर्फेस पे इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, ये गैलेक्टोसामीन है और ये ग्लूकोसामीन है, तो दैट गैलेक्टोसामीन में देखिए ओ लिंक्ड पाया जा रहा है। एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन में क्या है, ये गैलेक्टोज है, गैलेक्टोज में ओ आया, आने के बाद CH2 है और ये CHNH के फॉर्म में यहाँ पे जुड़ा COC फॉर्म में। जब एन लिंक की बात करते हैं तो क्या होता है, देखिए CNC ये है CNC, CNC जब जुड़ता है तो दिस इज एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इसको क्या बोलेंगे, जब अमाइड चीज से ये एस्पैराजीन है तो ये जुड़ेगा तो ये क्या बनाएगा, ये आपके ओएन लिंक्ड बनाएंगे। ज़्यादातर जितने भी अमाइड वाले होते हैं जैसे एस्पैराजीन, जैसे ग्लूटामीन, ये ज़्यादातर कौन से लिंक्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं, एन लिंक्ड। और ज़्यादातर जो कंपाउंड होते हैं जैसे सेरीन, जैसे कि थ्रियोनिन, ज़्यादातर ये आपके ओ लिंक्ड बनाते हैं। ठीक है, तो दीज आर लाइक सेरीन थ्रियोनिन है ओ लिंक्ड बनाएगा, स्पैराजीन है तो एन लिंक्ड बनाएगा, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन में एन लिंक्ड होता है और जबकि गैलेक्टोसामीन में ओ लिंक्ड पाया जाता है, तो दीज आर द स्ट्रक्चर्स जो कि यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल आपको यही ध्यान देना है क्या, दिस COC, इसके बाद CNC। ठीक है, लेट मी जूम इट सो दैट यू कैन सी, देखिएगा COC, ये भी सी होगा COC। ठीक है, तो ये जो है आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देयर आर लाइक अगर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है या ONN समझ में आ गया तो डिफरेंट डिफरेंट ग्लाइकोसिडिक, जैसे देखिए ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, ये अलग अलग फॉर्म में जुड़े हुए हैं। ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपको बताया गया था फोर्थ पोजीशन पे EPMER शो करता है। ठीक है, तो इसी वजह से ये जो फोर्थ पोजीशन है देखिए OH के टाइम या ग्लूकोज में नीचे होता है लेकिन इसमें गैलेक्टोज में ऊपर होता है, ये डिफरेंस होता है। अगर किसी को ऐसा लग रहा हो कैसे पता करेंगे, तो यू कैन आइडेंटिफाई इन दिस वे कि फोर्थ पोजिशन का OH कैसा है। वही चीज़ यहाँ पर जब ऊपर था तो ये गैलेक्टोज था, और जब यहाँ पर नीचे, नॉर्मली अगर ग्लूकोज के केसेस में बात करें तो नीचे था तो ये हो जाएगा ग्लूकोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये OH फोर्थ पोजीशन पे EPMER होते हैं तो उन पोजीशंस को देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखो यहाँ पे नीचे है तो वी सी इट इज अ ग्लूकोज, तो आप उस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए, सो ये चीजें हैं, देखिए जब ये आप क्या है, ये ग्लूकोज है और ये है फ्रक्टोज, आपस में जुड़ता है तो क्या बनाएगा, सुक्रोज बनाएगा। अब देखिए ग्लूकोज था, ये देखिए गैलेक्टोज है, यहाँ पे था ग्लूकोज, इनमें जब लिंकेज हुआ तो ये बनाया ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। अब जरा सा कार्बन देखो, ये देखो हेड, ये तो फोर्थ नंबर है, ये थर्ड नंबर है, ये सेकेंड है, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, और ये जो है अगर आप देखेंगे यहाँ से काउंट करते हुए तो इसका क्या चल रहा है इस वे में, दैट इज दैट 1 2। ठीक है, 1 है और 2 है, तो ये कौन सा लिंकेज है, बिकॉज OH का पोजीशन अगर आपने यहाँ पे ग्लूकोज पे देखा था तो नीचे की साइड था, तभी नीचे की साइड ये बॉन्ड बना है। जब नीचे की साइड है तो दिस शुड बी अल्फा, कौन सा है, अल्फा था, अल्फा के साथ साथ कौन सा पहला और दूसरा मिल रहा है, तो अल्फा 1 एरो 2 लिंकेज। जब इस पर देखेंगे तो देखिए ये भी पहला कार्बन है और ये इस हिसाब से अगर देखेंगे तो फोर्थ है, ये अल्फा, ये अब इसमें देखेंगे OH ऊपर है कि नीचे है, जहाँ से बॉन्ड बन रहा है मतलब यहाँ पे OH रहा होगा, इसका OH यहाँ पे रहा होगा तो इस तरीके से जुड़ा हुआ है, तो देखिएगा ये है बीटा OH है, तो दिस शुड बी लाइक बीटा 1 4 लिंकेज। लैक्टोज एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा स्टोरेज जिसमें बीटा पाया जाता है, लेकिन इसके अलावा ऑलमोस्ट सारे के सारे जितने भी होते हैं उनमें अल्फा पाया जाता है। तो लेट्स सी कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पे क्या पाया जाता है। माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज का मिलके बना होता है अल्फा 1 4 लिंकेज। अल्फा का मतलब ये कैसा दिख रहा होगा, नीचे की तरफ होगा। ठीक है, ये अल्फा 1 4 मतलब ये ऐसे दिखेगा आपको। ठीक है, दो सुगर्स इस तरीके से दिखेंगे। लैक्टोज में ये बीटा है मतलब एक ऊपर एक नीचे, ऐसे दिखेगा आपको दिस वन इंक्लाइंड वे। जितने भी बीटा वाले आपको मिलेंगे वो इंक्लाइंड मिलेंगे, ज़्यादा जितने भी इंक्लाइंड मिलेंगे, जितने भी इंक्लाइंड बॉन्ड है दे आर जनरली बीटा, क्या होते हैं, बीटा होते हैं। जितने भी आपको हॉरिजॉन्टल मिलेगा ऐसे मिलेगा, ठीक है, वो आपको अल्फा होंगे। जितने भी आपको ऐसे मिलेंगे बॉन्ड वो क्या होंगे, वो बीटा होंगे, ध्यान देना। इंक्लाइंड मतलब बीटा और हॉरिजॉन्टल मतलब अल्फा,
ये जनरली आपके, क्योंकि ओ एच इधर भी नीचे होगा, ए एच भी नीचे होगा, तो दिस आर द थिंग्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। नाउ सुक्रोज, अगर अल्फा 1 2 सुक्रोज में बताया गया, देखिएगा ये कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल अल्फा होगा। तो एमाइलोज ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, अल्फा 1 4 अगेन इस तरीके से जुड़ा रहेगा, हेड टू टेल है ये। अगर देखेंगे तो ये हेड टू टेल कॉम्बिनेशन था, ये भी हेड टू टेल था बीटा के साथ इंक्लाइंड वन, अल्फा 1 2 ये हेड टू हेड है, यहाँ पे हेड टू टेल इन हॉरिजॉन्टल होगा बिकॉज अल्फा है। अमाइलोपेक्टिन जो कि स्टार्च का ब्रांच्ड होता है, अल्फा 1 4 1 6 दोनों पे आ जाता है, तो ये इस तरीके से होगा, एक नॉर्मली हॉरिजॉन्टल होगा और एक इंक्लाइंड होगा, ठीक है, नॉर्मली इस तरीके से। तो अब इस तरीके में ये जो क्या है, ये हेड टू टेल है। फिर अगर स्ट्रक्चरल जैसे सेलुलोज ग्लूकोज बीटा 1 4 अगेन सारे के सारे इंक्लाइंड होंगे, इसमें देखो जितने भी आपके स्ट्रक्चरल है सब बीटा 1 4 ग्लूकोज में है, काइटिन में नैक पे आ जाता है बीटा 1 4 इनुलिन, इट्स नॉट इंसुलिन इट्स इनुलिन, इनुलिन में क्या पाया जाएगा, दैट्स फ्रक्टोज पाया जाएगा बीटा 2 1, हाइलोरोनिक एसिड्स नैक प्लस ग्लूकोरोनिक एसिड बीटा 1 4 बीटा 1 3, ब्लड एंटीजन में बीटा 1 2 एंड अल्फा 1 2, ये सारी चीज़ें पाई जा रही हैं। ज़्यादातर अल्फा स्टोरेज पॉलीसेक्राइड्स के लिए होते हैं एक्सेप्ट लैक्टोज, किसके लिए, एक्सेप्ट लैक्टोज, एंड बीटा जो होते हैं स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड्स के लिए होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। सो होप कि गाइस आपको समझ में आ गया होगा, ये कुछ आपके स्ट्रक्चरल से जैसे सेलुलोज है स्टार्च है जोड़ा गया है यहाँ पे, सेलुलोज स्टार्च ग्लाइकोजन, देखिए ये इंक्लाइंड वेले फॉर्म है, इस तरीके से जुड़े हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में। तो होप कि आपको मज़ा आया होगा, ये सारे अलग अलग और भी चीज़ें जैसे म्यूरिन में डेक्सट्रन में क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे भी अगेन यूनुलिन होगा, तो अलग अलग बॉन्ड्स जो हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे और मज़ा आ गया होगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।